भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दिग्गज नेता रतन टाटा जी का देहांत होना भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य है, बहुत आश्चर्यचकित है, क्योंकि रतन परिवार ने आजाद से पहले से देश की आजादी के आंदोलन में हो, देश में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाने में हो और लाखों लोगों को रोजगार देने में हो, रतन टाटा जी परिवार बहुत कंट्रीब्यूशन किया है और हजारों लोगों को वो उनका स्फूर्ति से आगे बढ़े हैं। रतन टाटा जी आज हमारा बीच में नहीं है और उनके कारण देश में अलग अलग जो जरूरत है वो स्टील का हो, नहीं तो पहले एयर इंडिया का स्थापना की है एयर इंडिया का हो, ऐसी अलग अलग इश्यू पर देश के हित में काम किया है। कुछ लोग बोलते हैं ये बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो रतन टाटा वाले के खिलाफ बात करते हैं, मगर आज रतन टाटा जी हमें छोड़ के चले गए मगर कुछ लेके गए नहीं गए। जो दिया है देश को दिया है, जो दिया है जनता को दिया है, जो दिया है नौजवान को रोजगार दिया है, देश में इकॉनमी बढ़ाने में, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में काम किया है। रतन टाटा जी स्टील के कारण अलग अलग जगह जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है देश में एक बार स्टडी करे तो मालूम होता है। इसलिए जैसे रतन टाटा जी जैसे भारत के निर्माण में उनका भी कुछ बहुत बड़ा संयोग है, ऐसे व्यक्ति आज छोड़ के जाना बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मैं तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की ओर से रतन टाटा जी के देहांत के विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनका आत्मा को शांति मिले, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं।